कार्टून टीवी। रामू और उसका परिवार अपना गांव छोड़कर कुछ सालों पहले शहर में आकर रहने लगा था। शहर में रामू सड़क के किनारे फलों की एक दुकान लगाता था। उस दुकान से होने वाली कमाई से ही उसका घर चलता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। रामू की कमाई भी फलों को बेचकर अच्छी हो जाती थी। उसके बच्चे स्कूल जाते थे। थोड़े बहुत पैसे वो भी अपने गांव में अपने माता पिता को भी भेज देता था। भैया, ये सेब अच्छे तो होंगे ना? आजकल फलों में भी मिलावट हो रही है। बाबू जी, ये फल बहुत ही मीठे होंगे। आप हमारी दुकान पर पहली बार आए हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जो भी हमसे एक बार फल लेकर जाता है ना, वो फिर किसी और दुकान पर नहीं जाता। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर दे दो 1 किलो। एक दिन पता चलता है कि शहर में कोरोना नाम की महामारी फैली है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। शहर में हर जगह पुलिस लगा दी गई थी। जो कोई भी घर से बाहर निकलता, उसे सजा दी जाती थी। अमीर तो घर पर ही रहकर अपना पेट भर सकता था, पर बेचारा गरीब क्या? वो तो घर पर बैठकर कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए गरीबों का बुरा हाल हो चुका था। रामू को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी। दुकान ही उसकी कमाई का एक जरिया थी, लेकिन अब वो भी बंद थी। बेचारे रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का पालन कैसे करेगा। एक दिन उसकी पत्नी दुलारी कहती है, सुनो जी, अब क्या होगा? सब कुछ तो बंद हो चुका है, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें तो पैसे भी बचाकर नहीं रखे हैं। हाँ, पैसे तो खत्म हो चुके हैं। मैं तो तुमसे पहले कहती रहती थी कि कुछ पैसे भविष्य के लिए बचाकर रख लो, पर तुमने तो मेरी कभी ना सुनी। बस सारे पैसे खर्च करते रहे और जो बचते थे उन्हें गांव भेज देते थे। देखा ना, पड़ गई पैसे की जरूरत। अरे तो भी अब अपना बंद करेगी कि नहीं? वैसे ही मेरा दिमाग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन रामू की पत्नी रामू को आवाज देती है, सुनो जी, कहाँ हो तुम? क्या पकाऊं आज खाने में? अपना सर, घर पर तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। बच्चे भी भूख से बेहाल थे। रामू आता है और कहता है, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं खाना? हे भगवान, अब तो ही कुछ मदद कर। इतने में बाहर से रामू का दोस्त आता है। वो रामू को कहता है, अरे रामू भैया, जल्दी बाहर आओ, बाहर। क्या सो रहे हो अभी तक? अरे हरिया, क्या बात है भाई, किस बात की जल्दी है? काम धंधे तो सब बंद है, फिर तुम किस बात की जल्दी कर रहे हो? रामू भैया, सरकार गरीबों को राशन दे रही है, वो भी मुफ्त में बिना पैसा लिए। इसलिए जल्दी हमारे साथ चलो, हम भी चलकर राशन ले आते हैं। रामू को थोड़ा सहारा मिलता है। वो तुरंत अपने दोस्त के साथ राशन की दुकान पर चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज का राशन तो खत्म हो गया है, कल मिलेगा। अब तो रामू अपना सा मुंह लेकर घर आ जाता है। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। रामू को खाली हाथ देखकर उसके बच्चे रामू के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमने खाना खा लिया, आप हमारी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दुलारी कुछ खाने के लिए लेकर आती है। रामू जल्दी से खाना खा लेता है और बाद में दुलारी से पूछता है, अरे वो कुछ भले लोग घर से थोड़ी दूर पर खाना बांट रहे थे, वहीं से लाई हूँ, लो खा लो। आज का तो जुगाड़ हो गया, कल तो राशन मिल ही जाएगा। रामू और दुलारी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उनको राशन भी मिल जाता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर महामारी ने अब गरीबों को भी नहीं छोड़ा। एक दिन रामू को पता चला कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार गरीबों को मुफ्त में टीका लगा रही है, तो रामू और उसकी पत्नी भी टीका लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर तो भीड़ लगी थी। वो दोनों दिन भर अस्पताल के बाहर धूप में खड़े रहे, और जब उनका नंबर आया तो टीका खत्म हो चुका था। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर कुछ देर बाद दुलारी की तबीयत खराब हो गई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। दुलारी, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। दुलारी को दवा से कुछ आराम हुआ,
और वो सो गई। रात हो चुकी थी। अचानक दुलारी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। रामू घबरा जाता है। वो उसे तुरंत अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर साहब, दुलारी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी से चलिए। डॉक्टर वहाँ आकर देखता है और रामू से कहता है, देखो भैया, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, उसे कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप दुलारी को बचा लीजिए, बस हम अभी ऑक्सीजन लेकर आते हैं, हम अपना सब कुछ भेज देंगे दुलारी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो भाग कर जाता है और अपने बीवी के कुछ जेवर लेकर आता है, जो कि उसकी बीवी ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बनवाए थे, उनको बेच देता है। पैसे लेकर रामू ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। हे भगवान, हमारी मदद करो, कहीं से हमको ऑक्सीजन दिलवा दो, नहीं तो हम अपनी भी जान दे देंगे। रामू को जमीन पर बैठा और रोता हुआ देखकर एक आदमी रामू के पास आता है। क्या बात है भाई, तुम यहाँ सड़क पर बैठकर क्यों रो रहे हो? भैया, हमारी पत्नी अस्पताल में है और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने कहा है अगर जल्दी ऑक्सीजन नहीं लाए तो तुम्हारी दुलारी को बचाना मुश्किल है। तो भैया, इसमें रोने की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन लेनी है ना, वह उस गली में जो लोग खड़े हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए ही तो खड़े हैं। जाओ, तुम भी वहीं पर लग जाओ, तुमको भी मिल जाएगी ऑक्सीजन। रामू भागा भागा वहां से जाता है और उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल पहुंचकर, ये लो डॉक्टर साहब, हम ऑक्सीजन ले आए, अब हमारी दुलारी को बचा लीजिए। डॉक्टर उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा देता है और फिर कुछ देर बाद उसकी पत्नी की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। रामू अपने घर आता है। वो बहुत थका हुआ था। उसके बच्चे घर पर उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रामू उनकी हालत देखकर रोने लगा और कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। इस महामारी ने गरीबों का जीना मुश्किल कर रखा था। सब बहुत परेशान थे। किसी के घर में खाने को अनाज नहीं था तो किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अमीर तो घर बैठे बैठे भी काम कर रहे थे, लेकिन गरीब तो जब तक बाहर जाकर काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से लाएंगे। बाहर निकले तो महामारी से मर जाएंगे और घर के अंदर रहे तो भूख से मर जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद रामू की पत्नी ठीक होकर घर वापस आ गई और उन्होंने अपने गाँव जाने का फैसला किया, क्योंकि अब शहर में तो रहना कठिन हो गया था। फिर एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, सुन दुलारी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी गांव चले जाएं, क्योंकि अब शहर में तो बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भूखे ही मर जाएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। और फिर रामू और उसका परिवार अपने गांव जाने की तैयारी करने लगता है। और बस स्टेशन जब सब पहुंच जाते हैं, वहां पर भी टिकट की महामारी चल रही थी। रामू बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे टिकट नहीं मिल पाती। तो वो घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, टिकट मिला कि नहीं? नहीं, टिकट नहीं मिला और अगले एक हफ्ते तक कोई टिकट नहीं है। हे भगवान, क्यों हम गरीबों पर इतना जुल्म कर रहे हो? हाँ दुलारी, हम गरीबों की परीक्षा ही लेते हैं भगवान, अब तो लगता है भूखों मरना पड़ेगा, क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर दोनों परेशान हो जाते हैं। घर में कुछ था भी नहीं खाने के लिए, बच्चे भी परेशान थे, ऐसे ही बहुत से लोग थे जो इस महामारी के चलते परेशान थे। दुलारी, तुम ऐसा करो, सामान बांध लो, हम कल सुबह ही गांव के लिए चल पड़ेंगे। क्या टिकट का इंतजाम हो गया? नहीं दुलारी, हम पैदल ही चलेंगे। अगली ही सुबह राम दुलारी और अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ चल देता है। थोड़ा थोड़ा दूर चलकर वो कुछ देर आराम कर लेते थे और कहीं कहीं पर उनको खाने के लिए भी कुछ मिल जाता था। जब नींद आती तो सड़क किनारे किसी पेड़ की छांव में सो जाते थे। इस तरह रात दिन चलते चलते वो अपना सफर तय कर रहे थे। सुनो जी, थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं तो थक गई हूँ, अब और नहीं चल सकती। हाँ पिताजी, मेरे से भी आप नहीं चला जा रहा। ठीक है दुलारी, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। दुलारी अभी कितनी दूर और चलना पड़ेगा ये सोच रही थी। दो दिन हो गए थे चलते चलते।
अरे दुलारी, अब हम अपने गांव की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं। बस 4-5 किलोमीटर रह गया है अपना गांव। थोड़ी देर आराम करके वो फिर से चल देते हैं और आखिरकार 2 दिन के बाद रामू अपने गांव पहुंच जाता है। पिताजी, अम्मा देखो हम आ गए, अब हम यहीं पर रहेंगे तुम्हारे पास। अरे रामू बेटा, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा जो यहाँ पर आ गया। मैं तो कब से तेरी माँ से कहता था कि रामू भी गांव में आ जाए तो अच्छा हो। रामू के बूढ़े माँ बाप रामू के घर आने से बहुत खुश होते हैं। गांव पहुंचकर वो देखता है इस महामारी ने तो गांव को भी नहीं छोड़ा था। गांव में भी लोग डरे हुए थे, लोग अपने घरों पर ही रहते थे और खेतों में काम करते थे। गांव में खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लोग अपने खेतों में ही उगे अनाज सब्जियां खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। रामू ने भी खेतों में काम करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में उसका जीवन पहले के जैसा हो गया। उसे देखकर उसके माँ बाप भी खुश हुए और कहने लगे, देख रामू बेटा, मैंने तो पहले ही तुझे मना किया था, शहर मत जा, यहीं रहकर जो करना है कर ले, सीधा साधा जीवन बिता गांव में रहकर। हाँ बेटा, पर तूने हमारी बात नहीं सुनी, देख आखिर तुझे घर वापस आना पड़ा। और फिर वो रामू को कुछ पैसे भी देते हैं और कहते हैं, ले बेटा कुछ पैसे रख ले, घर का खर्चा तुझे ही देखना है। पर पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये वही पैसे हैं बेटा जो तू मुझे शहर से भेजता था, मैंने ये ऐसी ही मुसीबत के समय के लिए संभाल कर रखे थे। हाँ बेटा, हमें कुछ पैसे बचा कर भी रखने चाहिए, ना जाने कब क्या हो जाए। हाँ माँ, तू ठीक कहती है, मैंने बहुत गलत किया जो शहर की ओर भागा, अब मैं अपने गांव और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर काम करूंगा। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों में गांव में महामारी का डर भी कम हो जाता है और फिर सब ठीक हो जाता है।